अनिश्चितता यह एक संभावना हो सकती है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। क्या है कि हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है, हमको सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। कैसा? वो इस तरह से कि जो पास्ट में हुआ था, जो भूतकाल में हुआ था, वो भविष्य में होने वाला है। यहाँ से हम अनुमान लगाते भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने पढ़ाई नहीं किया है तो मुझे भविष्य मालूम है कि मैं फेल होने वाला हूँ, या मैंने तैयारी नहीं किया है तो मैंने ये मुझे पता है कि मैं भविष्य में फेल होने वाला हूँ। अभी ये समझ के चलो कि आपको कोई पास्ट ही नहीं है, आपने पूरा पास्ट कंप्लीट किया हुआ है, आपने पूरा भूतकाल जो है उसके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन रखी ही नहीं है। भूतकाल समझो अभी हमने गायब कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो फिर फ्यूचर में क्या संभव है? अभी क्या अनुमान लगा सकते हैं? अभी तो कोई अनुमान नहीं है, अभी तो हम इतना ही बोल सकते कि भाई पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। क्योंकि हमारा कोई भी अनुमान भविष्य के बारे में जो होता है वो होता है पास से। जब हम बोलते कि नहीं हमारा कोई भूतकाल ही नहीं है, भूतकाल हमने पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, भूतकाल का कोई मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन याद नहीं आएगा, एजुकेशन है, ज्ञान है, वो याद आ रहा है, मगर जो रिलेशनशिप्स है, जो एक इमोशंस है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, जिसने बहुत घाव मन के ऊपर डाले हुए हैं, या कोई खुन्नस की भावना है, गुस्सा है, अब ये सब हमने जो भूतकाल में हुआ है भूतकाल में डाल दिया, फिर तो मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ कि अभी मुझे कुछ भी संभव है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ कि अभी मैं कुछ भी निश्चित नहीं बोल सकता हूँ कि क्या होने वाला है। एक्चुअली लोग अनिश्चितता की जो एक जगह रहती है स्पेस, उसको बहुत विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। अनिश्चितता के स्पेस को बहुत रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं हमें मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है, मुझे मालूम होना चाहिए गाड़ी कितने बजे आने वाली है। अनिश्चितता लेट गाड़ी है, अनिश्चित काल के लिए लेट गाड़ी है, ऐसा बोला तो हमें लगता है अभी क्या होगा। तो लोग अनिश्चितता को बहुत विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको चाहिए निश्चितता। और निश्चितता अपने को लिमिट में डालती है, निश्चितता हमको बंधक में डालती है। निश्चितता में लिमिट्स है, अनिश्चितता में लिमिटलेस है। इसलिए हरदम ये हमको आदत लगानी पड़ेगी कि हरदम ऐसे खड़े रहो कि भूतकाल का जो भी कुछ है उसको पूरा करो, कंप्लीट करो। भूतकाल का कुछ रिवेंज नहीं, खुन्नस की भावना नहीं, गुस्सा नहीं, फिर क्षमा याचना नहीं, फिर झगड़ा झंझट नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, इमोशंस नहीं, दुख नहीं, टेंशन नहीं, एंग्जाइटी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कंप्लीट है। तो फिर तो हमारा जन्म जैसा अभी हुआ ऐसा है, जन्म अभी लिया है और उसमें फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो हरदम ये स्पेस में रहो, भविष्य में बहुत कुछ संभव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।